हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम पर कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट या पोटेंशियल के क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और 5th लेक्चर में होमवर्क दिया गया था आपको, तो होमवर्क के तौर पे मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था कि नोट्स में जो क्वेश्चंस गिवन है उन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा और लेक्चर नंबर 6 है ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेम टाइम पर अवेलेबल है और बिल्कुल इसी तरह से सिलेबस को अब तेजी से हम कंप्लीट करने की तरफ अग्रसर हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी, जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहा होगा उसे मुझसे यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, अपने आंसर्स अपने सॉल्यूशंस को मैच करेंगे। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एक क्वेश्चन के हो सकते हैं, ये भी मैं स्पष्ट करूँगा आपको कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ऐसा हो सकता है या दूसरा सॉल्यूशन दूसरे टाइप का हो सकता है, एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। तो आज उसी चीज को डिस्कस करेंगे गाइस। आइए हम असाइनमेंट के अपने क्वेश्चंस करेंगे और नोट्स में ये न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है। 23 क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था और आज 24th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। 24th क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ये एक सेल यहां पर E is equal to E, यहां पर EMF है गाइस। हम अभी आने वाले एक दो लेक्चर के बाद सेल के बारे में पढ़ेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि EMF क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, हम V कब लिखते हैं E कब लिख रहे हैं, ऐसा मैं आपको समझाऊंगा। तो ये आपके सामने इस तरह की एक सर्किट है जिसमें ये चार रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। तो कौन सा सीरीज में है कौन पैरेलल में है ऐसा आपको पहचानना है। ये 60 वोल्ट का सेल है, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 18 ओम गिवन है, R2 रेजिस्टेंस की ये वैल्यू यहाँ पर 10 ओम गिवन है, R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू ये यहाँ पर 5 ओम गिवन है और R4 रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर ये 10 ओम गिवन है आपको। और आपको कहा गया डिटरमाइन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस, आपको बताना है R1 को पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला। भाई 60 वोल्ट की ये बैटरी है, कल हमने लास्ट क्लास में 5th लेक्चर में सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है, इस तरह से समझा था। तो उसी को कंटिन्यू मैं बता रहा हूं कि ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल इन रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हुआ होगा, इसको R1 का पोटेंशियल कितना है ये बताना है हमें। भाई R1 की वैल्यू हमें पता है 18 ओम। क्वेश्चन को रिवर्स में सोचिए, क्वेश्चन को रिवर्स में सोचिए कि पूछा क्या गया है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। रिवर्स में जब आपने क्वेश्चन को सोचा, R1 में पोटेंशियल पूछा है, V पूछा है, V इज इक्वल टू IR होता है, R की वैल्यू 18 ओम हमें पता है, यानी I करंट जानना पड़ेगा कि R1 में कितना करंट है। R1 में कुछ करंट जो होगा, सोचिए बैटरी, यहाँ बैटरी है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव है बैटरी का नेगेटिव है, बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट अगर आया है तो आई करंट R1 में जाएगा, वो आई करंट यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, कुछ R3 की तरफ चला जाएगा और कुछ R2 की तरफ आ जाएगा। आगे की बात करनी ही नहीं कि करंट किस तरह से डिवाइड हुआ, सबसे पहले बस आप इतना ही सोचिए यहाँ पर कि ये कह रहा है कि R1 में V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V इज इक्वल टू तो IR होता है, R की वैल्यू हमें पता है 18 ओम, तो I करंट पता होना चाहिए और R1 में वही करंट होगा जो बैटरी से करंट आया है, यानी टोटल करंट सर्किट में कितना है I पता चल जाए, तो इसके लिए ओम्स लॉ लगाएंगे, इसका V पता चल जाएगा। सर्किट में टोटल I पता करना है, टोटल बैटरी 60 वोल्ट की, ये तो मुझे पता है 60 वोल्ट की बैटरी है, आई करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस पता होना चाहिए पूरी सर्किट का। और रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे, कोई सीरीज में हो सकता है कोई पैरेलल में हो सकता है, तो उन्हें सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हर बार गाइस आप क्वेश्चन को रिवर्स डायरेक्शन में सोचें, फाइंड आउट क्या करना है, उसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उस फॉर्मूले में किस चीज की कमी है जो हमारे पास नहीं है,
तो सबसे पहले आई निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जानना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सभी बच्चे ध्यान दें, ये आर वन है रेजिस्टेंस यहां पर, उसके बाद यहां ये पॉइंट आया, दो अलग अलग मैं नहीं देख पा रहे क्या। सबसे पहले आप देख पाएंगे गाइस, मैंने आपको ये सिखाया है लास्ट क्लास में और मैंने चैप्टर टू में भी आपको ये बात बताई है, दो रेजिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए एक आर वन या एक आर टू, कोई भी दो रेजिस्टेंसेस, वो दोनों सीरीज में, अगर इनके बीच में एक सीरीज एक ही वायर इस तरह से, अगर इस तरह से कोई कनेक्शन कहीं और जाकर कनेक्ट हो रहा है तो हमारे ये रेजिस्टेंसेस फिर सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, पैरेलल में है या नहीं हम इन्हें चेक कर देख लेंगे गाइस इस तरह से। तो इस शोर से आप थोड़े डिस्टर्ब ना हो, आलू प्याज ऐसे ही बिकते रहेंगे यहाँ पर जो हो। तो R3 रेजिस्टेंस 5 ओम है, R4 रेजिस्टेंस 10 ओम है, एक दूसरे से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वायर से, तो R3 और R4 आप समझ पाएंगे सीरीज में है, और R3 और R4 अगर सीरीज में है इस तरह से, तो मैं आपको बता दूं क्या किया जा सकता था, इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जा सकता था, इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जा सकता है R3 एंड किसका, R4 का, R3 एंड R4 का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सीरीज में है दोनों, और भाई R1, R2, R3, R4, R5 नाम दे देता हूं इनके इक्विवेलेंट को, 5 और 10 सीरीज में 15 ओम आ जाएगा गाइस, आप सभी को ये समझ में आए, सीरीज में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2 कर देते हैं और 15 ओम आ गया। इन दोनों से जो 15 ओम आया है, अगर मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से रब कर दूं कि ये 5 ओम और 10 ओम का एक आंसर आ चुका है और उसका नाम मैंने R5 रखा है और उसकी वैल्यू 15 ओम है, तो आप जान पाएंगे कि R3 और R4 का जो इक्विवेलेंट आया है वो R2 के साथ पैरेलल में है, 10 और 15 किस में है, पैरेलल में है, तो फिर आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, आप इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ R2 एंड R5, मैं कुछ R6 नाम दे देता हूं इसको, दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है, सीधा फॉर्मूला लगाना सिखाया है लास्ट क्लास में, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऐड कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऐड कर दीजिए, और भाई ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 3 जा 6 ओम आएगा। फिर से आपको समझाने के लिए अगर इसे रब कर दूं और मैं ये कहूं कि इन दोनों का एक इक्विवेलेंट आ गया है जिसको मैंने R6 नाम दिया है, तो R6 की वैल्यू 6 ओम आई है, ऐसे अगर आपको मैं समझाने के लिए इस डायग्राम को बार बार, इस सर्किट को बार बार ड्रॉ कर रहा हूं, इसे रब कर करके ड्रॉ कर रहा हूं, आपको हर बार इस तरह से रब करने की जरूरत नहीं है, आप इमेजिनेशन करिए, इमेजिन करिए, मैं इमेजिन करना ही सिखा रहा हूं आपको कि उन दोनों का सीरीज में एक आंसर आएगा, वो इसके साथ पैरेलल में था इनका एक आंसर आ जाएगा, अब ये R और ये 18 सीरीज में है तो इक्विवेलेंट पूरी सर्किट का अगर बताना है मुझे, इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो R इक्विवेलेंट है 18 ओम और 6 ओम सीरीज में है, 24 ओम क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आ गया है 24 आ गया है, हेंस सर्किट में आई करंट की वैल्यू क्या होगी, भाई V इज इक्वल टू आई आर होता है तो सर्किट में आई करंट V अपॉन आर लिखा जा सकता है, V 60 वोल्ट की यहां पर बैटरी है और R 24 ओम रेजिस्टेंस आया है और ये 6 10 जा 60 और 6 4 जा ये 2.5 एम्पियर करंट आएगा, 2.5 एम्पियर सर्किट में करंट आ गया है, 24 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है, मुझे करंट पता चल गया, इस बैटरी से आई करंट की वैल्यू पता चल गई, नहीं इस बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट जो आया है वो R1 में जाएगा, यानी R1 में करंट कितना है 2.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस R1
R1 को कितना पोटेंशियल मिला होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप, V इज इक्वल टू I इनटू में R1, I करंट 2.5 एम्पीयर आया है, R1 की वैल्यू 18 ओम है और भाई 18 इनटू 36 प्लस 9 45 वोल्ट, भाई 45 वोल्ट का पोटेंशियल जो है वो आ गया, 60 वोल्ट की बैटरी थी गाइस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, 7 वोल्ट की बैटरी थी उसमें से 18 ओम वाले को 45 वोल्ट मिल गया, उसके बाद 15 वोल्ट बच गया, वो आगे डिवाइड हुआ होगा जो आगे रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे, तो क्वेश्चन आएगा तो उनमें भी समझाऊंगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी सिर्फ R1 और के बारे में बताना था। तो रिवर्स में जब आपने क्वेश्चन को सोचा है कि भाई R के अंदर V निकालना है तो V is equal to IR ohms ला लगेगा, तो I करंट मालूम होना चाहिए कि R1 में कितना है, करंट वही आया है यहाँ पर जो बैटरी से आया है, और बैटरी से कितना करंट आया है इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ा आपको। तो ये बात हर बच्चा समझ सके इस बात को कि किस तरह से क्वेश्चन की डिमांड को देखिए, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है उसको फाइंड आउट करने के लिए रिवर्स में चलना स्टार्ट करें, तो रिवर्स में चलना स्टार्ट करें मतलब रिवर्स में सोचें कि ये चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसको जानने के लिए। तो सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि किस तरह से ये फाइंड आउट किया जा सकता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 30 को समझना है, डायग्राम बना दिया मैंने आपके सामने कि भाई कुछ इस तरह से रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और इक्विवेलेंट पूछना चाहता है, इक्विवेलेंट जानना चाहता है ये हमसे, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इस तरह से लगे हुए हैं, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, एक बार ए पॉइंट है, एक बार बी पॉइंट है, एक बार ये सी पॉइंट है, एक बार ये डी पॉइंट है, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। आपको इस नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अलग अलग पॉइंट्स पर। मान लीजिए एक बार ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव पे जोड़ दिया गया है सोच लीजिए, और इस बी पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव पे जोड़ दिया गया है, यानी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का। तो ए बैटरी के जिन पॉइंट्स पर कभी भी ये कहेगा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए ए और बी के बीच का, अक्रॉस ए एंड बी का, या अक्रॉस ए एंड डी कह देता, जो पॉइंट्स कहे गए हैं कि इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करिए उन पॉइंट्स को बैटरी के ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, एक बैटरी के पॉजिटिव पर और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव पर। जब कभी भी ये कहा जाए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए और बी पर, तो ए और बी बैटरी पर भेज दीजिए, एक्स वाई पर, एक्स वाई जो भी पॉइंट्स हैं जहां टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो पॉइंट्स बैटरी पर भेज दीजिए इस तरह से। अब सोचिए भाई अगर ये ए पॉइंट पॉजिटिव पर है, बी पॉइंट नेगेटिव पर, इस तरह से कहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है? आपको पता है कई बच्चे सीधा सीधा ये सोचेंगे कि ए से देखे ना तो ये 10 ओम ए पे है, ये वाला 10 ओम भी ए पर है, ये दोनों पैरेलल में सोचेंगे वो, लेकिन भाई देख 10 ओम ये वाला 10 ओम बी पर है और इस 10 ओम का दूसरा पॉइंट तो सी पर है, बी पर तो नहीं है, पैरेलल तो वो होते हैं जो दोनों तरफ सेम पॉइंट्स पर हो, एक तरफ दोनों ए पर है तो दूसरी तरफ दोनों ही बी पर होने चाहिए, मतलब सेम पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल पर होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को सीधा सीधा सोचने की कोशिश करें भाई, सीरीज वाले ढूंढे सबसे पहले, उन्हें सीरीज वालों को सॉल्व कर दे पहले, ये जो ऊपर की तरफ वायर गई है 3 ओम और 7 ओम के बीच में, ध्यान दीजिएगा सिर्फ सीधी वायर है, कोई और कनेक्शन नहीं है, जो करंट इस 3 ओम में गया होगा, जो करंट इस 3 ओम में गया होगा वही करंट इस वायर से होता हुआ 7 ओम में आ जाएगा, सेम करंट जिसमें होता है वो सीरीज होते हैं, जो करंट 3 ओम में गया होगा वही करंट 7 में चला जाएगा, तो 3 और 7 सीरीज में है, तो 3 और 7 सीरीज में है, मैं R1 नाम दे देता हूं, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, 3 और 7 सीरीज में थे,
आंसर 10 ओम आ गया, आंसर 10 ओम आ गया। आपको समझाने के लिए एक बार फिर रीड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, अदरवाइज आपको पेपर में ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है भाई। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी, आप इमेजिन करने लगेंगे इस तरह से कि भाई मैंने क्या किया, 3 ओम और 7 ओम का 10 आंसर निकाल लिया, तो 3 और 7 की जगह एक ही लगा दीजिए 10 ओम का। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला 10 और ये वाला 10, ये वाला 10 इधर A पर है, ये भी A पर है, ये इधर C पर है, ये भी इधर C पर है, ये दोनों 10 ओम वाले किस में हैं, पैरेलल में हैं। इनका आंसर R2 नाम दिया, 10 ओम के दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में हैं, इस फॉर्मूले से आपका आंसर 5 ओम आ जाएगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में ये शॉर्टकट भी लिखवाया था, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में है तो R by 2 कर दीजिए, 10 और 10 के दो पैरेलल में लगे हुए हैं तो 10 by 2 कर दीजिए, 5 ओम आंसर आ जाएगा आपका। भाई इस 5 इस 10 और 10 को पैरेलल में सॉल्व कर लिया, तो इन दोनों को मैंने पैरेलल में सॉल्व कर लिया और इन दोनों का एक आंसर आ गया 5 ओम। अब सभी बच्चे देख पाएंगे ये 5 ओम सी पर गया और फिर नीचे आ गए, तो ये 5 और 5 सीरीज में है और इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 + 5 = 10 ओम लिखा जा सकता है इस तरह से, तो 10 ओम इन दोनों का सीरीज में आंसर आ गया। इन दोनों के जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं भाई, इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए 10 ओम का, तो भाई ये वाला 10 और ये वाला 10 अब पैरेलल में है, यानी इक्विवेलेंट को ही पूछे 10 और 10 से मेरा आंसर एक बार फिर 5 ओम आ जाएगा, 10 और 10 से मेरा आंसर पैरेलल में एक और बार 5 ओम आ जाएगा, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतने सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे, उन सब को हटाकर अगर ए और बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये सर्किट इक्विवेलेंट है उसी सर्किट के। तो हर बच्चे को ये बात समझ में आए जरूर कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा। हर एक बात को कॉपी में नोट किया जाए, जितना भी पढ़ा जाए उसके नोट्स बनाए जाएं, ये बात बड़ी जरूरी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आप जरूर बनाएं और उस हर एक असाइनमेंट को आप सॉल्व करें जो आपको कहा गया है करने के लिए। इसी क्वेश्चन में ये भी कहा गया है, मैं एक और टाइप करा दूंगा, तीसरा आप अपने आप कर पाएंगे उसके बाद में। तो ये आप देखेंगे इस तरह से कि ये क्वेश्चन जो गिवन था, अभी अभी ये क्वेश्चन गिवन था और इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था ए और बी के बीच में, और अब की बार मैंने फिर ये 7 ओम ये 3 ओम क्वेश्चन नंबर 30 को ही दोबारा ड्रॉ कर दिया है गाइस। मैंने 10 ओम है, ये 10 ओम है और ये 5 ओम है, तो ये हमारी हमारा इस तरह से नेटवर्क गिवन था, फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। इस बार ये ए पॉइंट है यहां पर और ये सी पॉइंट है यहां पर, जिस पर रेजिस्टेंस निकालना है उसे बैटरी पर लगा दीजिए, एक बैटरी मान ली वी वोल्ट की और उस पर एज्यूम कर लीजिए। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट कहेगा दो पॉइंट्स पर फाइंड आउट करने के लिए, आप क्या करेंगे, आप उन पॉइंट्स पर क्या लगा दीजिए, बैटरी लगा दीजिए इस तरह से। बैटरी लगाने के बाद सभी बच्चे ध्यान देंगे कहां से सॉल्व किया जा सकता है, सबसे पहले ये ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में बताना है, ये 3 ओम और ये 7 ओम जो करंट 3 में जाएगा वही 7 में जाएगा भाई, 3 और 7 एक बार फिर सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट 3 + 7 = 10 ओम लिया जा सकता है। भाई ये 10 ओम और ये 5 ओम ये दोनों भी सीरीज में है, ये देखिए एक ही वायर सीधी है इनके बीच में इस तरह से घुमा दिया गया। सोचिए अगर इस वायर को ऐसे कर दूं, मेरे पास एक्स्ट्रा वायर ना हो, ऐसे कर दूं तो देख पा रहे ना सीरीज में है, तो ये घुमा दिया गया बस इस तरह से, उससे कंफ्यूजन ना हो गई। एग्जामिनर के पास वायर एक्स्ट्रा थी, उसने डेली छोड़ दी, इस तरह से रखी हुई है। तो 5 ओम और 10 ओम यहां पर सीरीज में होंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट 5 + 10 = 15 ओम लिखा जा सकेगा। उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए अगर रब करूं तो आपको समझाने के लिए मैं रीड्रॉ कर रहा हूं इस सर्किट को, मैं ये कह रहा हूं आपको
कि मैंने ये ऊपर 7 और 3 जो लगे हुए थे इन दोनों का एक आंसर फाइंड आउट कर लिया, मैंने 7 और 3 से एक आंसर फाइंड आउट कर लिया, ये ऊपर 10 ओम आ गया था यहाँ पर और इन दोनों का ये 15 ओम आ गया है यहाँ पर, तो इनको ऐसे मैंने शॉर्ट कर दिया कि इट वी वैलिड वैल्यू लिख दी भाई, ये 10 और ये 10 और ये 15 अब पैरेलल में है, देख लीजिए 15 ओम का ये एंड सी पर है, इसका ये एंड सी पर है, इसका ये एंड तीनों एक ही जगह पर है, इसका दूसरा एंड यहाँ ए पर है, ये ए पर है, ये भी ए पर है, सेम पॉइंट्स पर लगे हुए हैं तीनों रेजिस्टेंसेस, तो ये पैरेलल में होंगे और इसलिए इक्विवेलेंट पूरी सर्किट का बराबर है 1/10 प्लस 1/10 और प्लस 1/15, तो यहाँ पर आप एलसीएम जो है वो 15 और 10 का लिख लीजिएगा, आप 30 लिख पाएंगे इसको, 10 थ्रीजा हो जाएगा, ये थ्रीजा और प्लस ये 2 हो जाएगा, 8/30 होगा और रेसिप्रोकल करने पर 30/8 होगा, 15/4 होगा और भाई 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 3.75 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इस पूरे नेटवर्क का जब ए और सी के बीच में बात हो रही है। अब ये ना सोचे भी कोई कि नेटवर्क दोनों बार सेम था तो अलग अलग आंसर क्यों आया, क्योंकि बैटरी अक्रॉस कनेक्ट चेंज कर दिया गया है, पहले ए और बी के बीच में हमने इक्विवेलेंट देखा था, तो कॉम्बिनेशन में कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है इस पर डिपेंड करता है कि इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, इसलिए जब पॉइंट्स चेंज करूंगा तो इक्विवेलेंट भी चेंज हो सकता है और चेंज होकर आया है आंसर आपका, तो हर बच्चे को ये पता चल जाए कि जिन पॉइंट्स पर जहां पर आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जहां भी आपसे पूछा गया है उन पॉइंट्स पर आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, उन पॉइंट्स पर आप बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, उन पॉइंट्स पर जब आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे उसके बाद आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ए और डी पॉइंट के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, वो आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, वो आपको दो पार्ट से आपको मैंने समझाया है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में बड़ा ही मजेदार जो डायग्राम दिया हुआ था भाई, कि ए पॉइंट दिया गया था आपको और बी पॉइंट दिया गया था आपको और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, तो ये आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिया गया है इनके बीच में। उसके बाद क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो इधर बी पॉइंट पर लाकर कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस है इस तरह से, ये 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस है इस तरह से, ये 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस है इस तरह से और ये 3 ओम का एक और रेजिस्टेंस है इस तरह से। यहाँ से आप देखेंगे कि ये 6 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, फिर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है यहाँ पर, फिर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है यहाँ पर इस तरह से, और फिर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। इस डायग्राम को देख पाएंगे खुद से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट नाम दे दिया है, ये डी पॉइंट नाम दे दिया गया है, ये ई पॉइंट नाम दे दिया गया है, ये एफ पॉइंट नाम दे दिया गया है, आपको वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, ऐसा होगा ना हो तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएंगे बाद में, ये कोई लाइव क्लास नहीं है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस इस तरह से गिवन है और हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में, आर ए बी ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर दीजिए भाई, ए और बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ये आर ए बी का मतलब है यहाँ पर इस तरह से। फिर वही बात है कि भाई सोच लीजिए ये बैटरी के पॉजिटिव पर है कहीं, ये बैटरी के नेगेटिव पर है कहीं, बैटरी हर बार बनाकर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप सीखने लगे हैं, अब आप सीख गए हैं कि एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है। सोचिए ये तो बैटरी पर कनेक्ट है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ए से ही करना स्टार्ट कर देंगे इसको, ए से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो हो ही नहीं सकता ये कभी,
ए से ये तीन ओम, सोचेंगे ये पैरेलल में नहीं है, दूसरी तरफ नहीं है, सीरीज नहीं है, तो इसलिए ए और बी पर डायरेक्ट तो कभी सोचे ही ना भाई। ये बैटरी के पॉजिटिव पर चला गया है, मैं आपके लिए जो बना देता हूँ ये नेगेटिव पर चला गया। सबसे पहले इस 3 ओम को देखिए और इस 3 ओम को देखिए भाई। ये ए से सी पर आप जाएंगे, ए से जो करंट सी पर गया होगा वही करंट डी पर चला गया होगा यहां से, यानी ये 3 ओम और 3 ओम किसमें है, सीरीज में है। यहां पर 3 और 3 का एक आंसर आएगा गाइस, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको थोड़ा सा, कि ये 3 ओम, ध्यान दीजिएगा मैं किसको रब कर रहा हूं, ये 3 ओम था और ये 3 ओम था, तो इन दोनों को 3 ओम को और 3 ओम को मैंने रब कर दिया, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे और मैंने 3 और 3 को सीरीज वाले को मैंने क्या कर दिया है यहां पर एक साथ कनेक्ट कर दिया। सीरीज में 3 और 3 का आंसर कितना आएगा, 6 ओम आएगा। सीरीज में कितना आंसर आएगा, 6 ओम आएगा। अब ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम भाई, ये 6 ओम इधर ए पर है, ये 6 ओम भी ए पर है, ये 6 ओम उधर डी पर है, ये भी डी पर है, दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट ए और डी के बीच का निकाल रहा हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, तो ए और डी के बीच में ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहा हूं। 6 और 6 पैरेलल में होंगे, बड़े अच्छे से आप जानते हैं ये आंसर 3 ओम आ जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने 6 और 6 को सॉल्व कर दिया, तो ये 6 और 6 पैरेलल में थे, इन दोनों का एक आंसर आ जाएगा। मैं आपको ठीक से समझाने के लिए रीड्रॉ करता जा रहा हूं इसको बार बार। तो ये जो रेजिस्टेंस था 6 और 6 के दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में थे, मेरा आंसर इनसे 3 ओम आ गया है। उसके बाद ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम फिर सीरीज में है और इस 6 वाले के साथ ये फिर पैरेलल में होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपके पास जो रेजिस्टेंस ये ए पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, इन दोनों को सॉल्व कर फिर आपका आंसर दोबारा से 6 ओम आएगा, सॉरी 3 ओम आएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर क्या था, मेरा आंसर 3 आ गया था, 3 उस 3 के साथ सीरीज में है, 6 हो जाएगा, और यहां जो 6 था उसके साथ फिर से, यानी ए और ई के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूं तो 6 और 6 वाला फिर से केस बनेगा, फिर से ये 3 ओम आ जाएगा। अब मैं ए और एफ के बीच में बात करना चाहता हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 3 ओम और 3 ओम यहां पर सीरीज में है, 6 ओम आंसर आएगा, और इस वाले 6 के साथ सॉल्व करूंगा पैरेलल में, एक बार फिर से 3 ओम आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर सही है आपका कि ए और एफ के बीच में इक्विवेलेंट की वैल्यू एक बार फिर 3 ओम आ गई है, तो ए और एफ के बीच इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया है। अब ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम एक ही वायर है, इस तरह से ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का आंसर सीरीज में एक ही लिखा जा सकता है, और 3 और 3 सीरीज में 6 ओम होगा भाई। और ये वाला 6 ओम और ये वाला 3 ओम अब किस में है, पैरेलल में है गाइस, इसलिए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई पूछेगा तो दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, 6 × 3 और 6+3, और ये 2 ओम आंसर आएगा। और इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है किसी ने, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 2 ओम आ जाएगा। इस आंसर को देख पाएगा हर एक बच्चा, इस आंसर को समझे हर एक बच्चा, ना समझ में आने पर वीडियो को दोबारा जो है वो देखे, उसको वापिस रिपीट कर देखिए भाई वीडियो को, और फिर भी ना समझ में आने पर हर बच्चे को, आपको पता है व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और इसके बाद लाइव लेक्चर जो भी आएगा वहां पूछ सकते हैं आप कमेंट कर। तो ये आपके लिए पूरे ऑप्शन है कि आप अपने डाउट जरूर क्लियर करें, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन आपने ये मान लिया होगी मैं समझ जाऊंगा या मुझे आ गया है, पर जरूर पूछें, ये आपको पूछ लेना चाहिए बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया था भाई होमवर्क के अंदर, और ये आपको ध्यान में हो कि ये इस तरह से ये गिवन है आपको, एक रेक्टेंगल सी शेप में वायर्स लगाई हुई हैं और वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस है। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे
कि इस वायर का रेजिस्टेंस शो कर दिया, इस वायर का रेजिस्टेंस शो कर दिया, ये वायर्स का रेजिस्टेंस क्यों नहीं अज्यूम करते कुछ, तो ये कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्शन करने के लिए यूज गई है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस ना के बराबर लेंगे हम, कनेक्टिंग वायर्स का भी अगर रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट में करंट बहुत इफेक्ट हो जाएगा, तो जिससे वायरिंग की जाती है उन वायर्स का रेजिस्टेंस ना के बराबर माना गया है, नेग्लिजिबल माना गया है, जीरो तो कभी होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल माना गया है, कम किया गया है। और कैसे कम कर सकते हैं, सभी बच्चे जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है, और लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो वायर थिक होती है, थिक वायर्स का एरिया ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। आप अपने घर में ही देख लीजिएगा, कोई भी वायर आपके पास है ऊपर से उसको, ऊपर से तो उसको इंसुलेटेड कर दिया गया है ताकि आप टच करें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए, लेकिन आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी इस तरह से बहुत सारी पतली पतली वायर्स होती हैं। जब आप कनेक्शन करना होता है आप इनको आगे से पकड़कर कई बार ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आप जो इनको इस तरह का घुमा देते हैं ताकि इनमें मजबूती आ जाए। जब हमें इतना डायामीटर चाहिए इस वायर का तो ये एक ही वायर क्यों नहीं है, ऐसे पतली पतली बहुत सारी वायर क्यों है, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था अगर मेटल की ये ऑब्जेक्ट है इसका डायामीटर ज्यादा करूंगा तो ये रिजिड हो जाएगी, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, इसलिए बहुत पतली पतली वायर्स ली गई हैं, उन सभी का बंडल बनाया गया तो डायामीटर यानी उसकी थिकनेस भी बढ़ गई, मजबूत भी हो गई, वो एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस भी कम हो गया इस वायर का ओवरऑल, और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रही, क्योंकि वैसे तो वो इंडिविजुअल पतली पतली वायर्स हैं, वो मिलकर जो वो इस तरह से थिकनेस बना रही हैं, लेकिन आप देखेंगे इंडिविजुअली वो बहुत थिन वायर्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रही इसलिए, तो ऐसा इसलिए होता है गाइस, आप समझ पाएंगे इस बात को। ये इस तरह से फिर मैंने एक फिर से रेक्टेंगल की शेप में ये कंसीडर किया है और इसमें वैल्यूज गिवन है आपको, क्या कि भाई ये कनेक्टेड है बैटरी के अक्रॉस और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी 10 वोल्ट का ये सेल है, तो ये सिंगल सेल है यहाँ पर, और एक एमीटर लगाया गया है यहाँ पर बैटरी के, इसके पॉजिटिव से पॉजिटिव करंट होना चाहिए, नेगेटिव से नेगेटिव। सर्किट में आई करंट की वैल्यू बतानी है, बैटरी से आई करंट कितना आया है ये बताना है आपको। सेल हमें 10 वोल्ट का गिवन है और हमें आई करंट की वैल्यू अगर बतानी है तो हमें जानना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब इसका फाइंड आउट करने की बात आई है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, डायगनल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, डायगनल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, डायगनल में ये 10 ओम है, ये डायगनल में 10 ओम है, और ये यहां दूसरे डायगनल में भी इसी तरह से 10 ओम लगा हुआ है, ये 10 ओम लगा हुआ है, और सेंटर पर ये कनेक्टेड है, ये वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैं फिर से याद दिला दूं, दो वायर्स इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, ऐसे यू पॉइंट दिखाया गया है, मतलब यहां पर जंक्शन शो हो रहा है, ये वायर यहां पर कनेक्टेड है इस तरह से, ये यहां पर कनेक्टेड है, यहां पर वायर क्रॉसिंग विद कनेक्शन, और अगर एक वायर इस तरह से गिवन है और यू सिंबल दिया हुआ है तो ये वायर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को विदाउट कनेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से यहां कनेक्टेड नहीं है, तो इस सिंबल का मतलब आप समझते होंगे, तो सभी बच्चे सिंबल का मतलब जान गए हैं कि क्या कनेक्शन है, कनेक्टेड का केस था ये ऊपर वाला, और इस तरह से बनाया गया सिंबल, तो ये वायर सिर्फ जंप कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, यहां पर तो ये डॉट है, इस तरह से वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपको ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इक्विवेलेंट बताना है भाई, करंट बताने के लिए इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा आपको पहले। सभी बच्चे ध्यान दे पाएंगे इस बात पर, आई करंट यहां से आया है इस तरह से, ये ए पॉइंट है, यानी जहां पर भी वायर्स होती है, कैपेसिटेंस वाली बात याद करिए, या जो नया बच्चा है वो देख ले, वायर का काम क्या होता है, कनेक्शन करना, दो पॉइंट्स को जोड़ना, तो ये ए पॉइंट है यहां पर, तो ये भी ए पॉइंट के जैसा ही है भाई, वायर ही तो इन दोनों के बीच में, और यही वायर यहां आएगी, ये भी ए पॉइंट है इस तरह से, ये बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट है ऊपर,
और ये बी पॉइंट है ऊपर इस तरह से, और ये ओ पॉइंट है। सबसे पहले क्या देखा जाए, ये दो रेजिस्टेंसेस देखिए, ये डायगनल में 10 ओम का, ये डायगनल में 10 ओम का, ये 10 ओम एक तरफ ए पर है, ये वाला 10 ओम एक तरफ ए पर है, ये 10 ओम दूसरी तरफ ओ पर है, ये 10 ओम भी दूसरी तरफ ओ पर है। तो सभी बच्चे समझ पाएंगे ये 10 और ये 10 इसका मतलब किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर दोबारा इस सर्किट को एक बार बना दूं आपको ये बताने के लिए कि कैसे सॉल्व किया मैंने, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में है, इन दोनों से मेरा आंसर 5 ओम आ जाएगा, इन दोनों से मेरा आंसर 5 ओम आ जाएगा। और ऊपर वाला 5 ओम था, यहाँ पर 5 ओम था, और यू फाइंड आउट करना था इस तरह से। इसी तरह से ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है, दोनों एक तरफ ओ पर है, दोनों दूसरी तरफ बी पर जुड़े हुए हैं, सेम पॉइंट्स पर हैं, तो ये 10 ओम और ये 10 ओम पैरेलल में है और 10 और 10 पैरेलल में है, तो इन दोनों का आंसर भी 5 ओम आ जाएगा। अब किसी भी बच्चे को ज्यादा डाउट होगा नहीं, हर बच्चा सॉल्व कर पाएगा कि ये डायगनल वाले सॉल्व कर कर ऐसे आएंगे तो 5 और 5 सीरीज में 10 हो जाएगा, फिर 5 10 और 5 पैरेलल में हो जाएंगे। तो ध्यान दें, ये 5 और 5 को सॉल्व करा जाए सीरीज में, तो 5 और 5 सीरीज में सॉल्व कर कर सभी बच्चे ध्यान देंगे 10 ओम आ जाएगा, फिर ये 5 10 और 10 तीनों पैरेलल में हैं, और इसलिए इक्विवेलेंट होगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, और एलसीएम 10 लिया जाए तो 5 2 जा 10 1 जा और 5 2 जा, 5 अपॉन में 10 है, रेसिप्रोकल करने पर 2 ओम रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रेसिप्रोकल करने पर इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस 2 ओम आपको मिलेगा, पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस 2 ओम। ये सारा सॉल्व कर दिया जाए, यानी इस पूरे की वैल्यू ये पूरा सॉल्व कर दिया जाए तो इस पूरे नेटवर्क की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पर, इस पूरे नेटवर्क की वैल्यू 2 ओम आ गई है, इक्विवेलेंट 10 ओम की, 10 ओम का सेल है, सोर्स है, आई करंट बताना है, ओम्स ला लगाया जा सकता है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वी अपॉन आर, और आई इज इक्वल टू बराबर होगा भाई 10 वोल्ट का तो सेल लगा हुआ है और 2 ओम रेजिस्टेंस आया है, हेंस 5 ओम का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। ये आप जान गए हैं, हर बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आई होगी, हर बच्चे को ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, बहुत ही बढ़िया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको मैंने कैपेसिटेंस के चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए हैं, सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर डाला होगा, सभी बच्चों ने जान लिया होगा कि ये तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं या फिर ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, ऐसा हर बच्चे ने जान लिया होगा, ये मुझे पक्की उम्मीद है, पूरा पूरा विश्वास है इस बात पर कि इस क्वेश्चन की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूं गाइस मैं, और क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है आपको के एक रेजिस्टेंस है इस तरह का, ये रेजिस्टेंस है दूसरा, ये रेजिस्टेंस है तीसरा, और इस तरह से, तो ये अगर इस तरह का फिनोमेनन गिवन है हमें, ये ऐसे गिवन होता तो तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते, ये पक्की बात है, बड़ी आसान सी बात थी भाई। अगर ऐसे गिवन होते तो ये 2R, ये 2R और ये R, ये तीनों सीरीज में होते, ये पक्की बात थी और आप आसानी से इसका आंसर बता सकते थे, बट यहां से एक वायर यहां कनेक्ट कर दी गई है इस तरह से, और यहां से एक वायर यहां कनेक्ट कर दी गई है इस तरह से। जब इस तरह से कर दिया गया है तो थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और देखने से ये पता नहीं चल रहा है कि ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में। जब आपको सीधा सीधा देखकर ये पता नहीं चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, मैंने आपको ये सिखाया है, आप एक एंड बैटरी के पॉजिटिव पर अज्यूम कर लीजिए, वी वोल्ट की कुछ बैटरी। कई बच्चे कहेंगे सर बैटरी अपने आप से क्यों डाल ली,
भाई कुछ ना कुछ पोटेंशियल लगाएंगे तभी सर्किट का इम्पोर्टेंस है, तो तभी रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो बैटरी अपने आप से लगा दीजिए और ए एंड बैटरी के पॉजिटिव पर है, बी एंड बैटरी के नेगेटिव पर है। ए पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव पर है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, नेगेटिव का वी बी है। ए पॉइंट जहां पर है यानी ए पॉइंट यहां है तो इसका पोटेंशियल वी ए है। सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर, ये पॉजिटिव से एक वायर आई और कनेक्ट करी गई है कहां पर, इस रेजिस्टेंस के साथ। तो वायर का काम कनेक्शन करना है, यानी ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो वी ए नाम दे दिया जाए, तो ये रेजिस्टेंस ए पॉइंट पर कनेक्टेड है। यहां से ये वायर इधर आई है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वी ए के बराबर होना चाहिए। वायर दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है और उन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। यहां ए का पोटेंशियल वी ए नाम दूं तो वायर जहां गई है वहां वी ए ही होगा। यहां बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी नाम दिया जाए तो ये वी बी है, और ये वायर ऊपर से कहां पर आई, यहां पर आई, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी होना चाहिए। इस तरह से तो हर एक पॉइंट को पोटेंशियल का नाम दिया गया है पहले। अब आप इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करिए। आपको एग्जामिनर ने सर्किट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दी थी और अब आप ये कहेंगे कि गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। आप ध्यान देंगे कि इस सर्किट को दोबारा बना रहा हूं मैं, इस सर्किट को दोबारा कैसे बना रहा हूं मैं। एक पॉइंट ए गिवन था हमें और एक पॉइंट बी गिवन था हमें। अब सोचिए इस तरह से, पहला रेजिस्टेंस ये देखा मैंने एक तरफ ए पर है और एक तरफ बी पर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इसका मतलब, और इसकी वैल्यू 2R गिवन है। अगले रेजिस्टेंस को देखिए, एक तरफ बी है एक तरफ ए है, मतलब ए और बी के बीच में है ये। ए किस साइड है, बी किस साइड है, ये मत सोचिए। एक रेजिस्टेंस के कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं यहां पर। तो ये ए एक तरफ है एक तरफ बी है, ए और ये तो पहले से जोड़ दिया ए और बी पर, ये भी ए और बी पर जोड़ने का मतलब ऐसे जोड़ा जा सकता है भाई, पैरेलल में जोड़ा जा सकता है सेम पॉइंट्स पर। तीसरे रेजिस्टेंस को देखूं, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, और ए और बी एक तरफ है, और ऐसा अगर है मान लीजिए, तो भाई इस तीसरे वाले रेजिस्टेंस को क्या किया मैंने, यहां पर ये भी ए और बी पर कनेक्टेड है, मतलब यहां पर है। और भाई मेरे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने चैप्टर 2 मुझसे पढ़ा है, उन्होंने देखते ही इसे पहचान लिया होगा कि ये तीनों पैरेलल में है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन कैपेसिटेंस में मैंने कराया है उनको। तो सभी बच्चे इस बात को देख पाएंगे, अब तीनों पैरेलल में है, और भाई तीनों पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/2R + 1/2R और + 1/R, और भाई 2R 2R, R का LCM 2R लिखा जा सकता है, ये 1 + 1 + 2 लिखा जा सकता है, ये 4/2R लिखा जा सकता है। रेसिप्रोकल करने पर ये 2R/4 यानी R/2 ओम लिखा जा सकता है। R की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये 1/2 आ गया है, R की वैल्यू 2 होगी तो ये 1 ओम आ गया, जो भी R की वैल्यू होगी। R की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। हर एक बच्चे को एक एक वर्ड क्लियर हो, एक एक बात क्लियरली समझ में आई हो, पिक्चर क्वालिटी इस वीडियो की कैसी है मुझे कमेंट कर जरूर बताएंगे आप, और क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं सारे डायग्राम, ये मुझे आप बताएंगे जरूर इस तरह से। तो हर एक बच्चा समझ पा रहा है, हर एक बच्चा इस बात को अब समझने लगेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और अब तो वो खुद भी फाइंड आउट करने लगा होगा। हर एक स्टूडेंट मेरा अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर पा रहा होगा। और भी अच्छे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे अभी, जिसमें कुछ और ट्रिक लगाई जा सकती है। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे एक और क्वेश्चन पर ध्यान दें, आपको एक और क्वेश्चन में करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 36 करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 36 करा रहा हूं आपको मैं। एक तरफ ए पॉइंट था इस तरह से, और 5 ओम का रेजिस्टेंस बी पॉइंट पर जाकर पहुंच गया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरह से। यहां से एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है
और वो दूसरे 3 ओम के रेजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है इस तरह से, और ये कनेक्टेड था यहाँ पर। उसके बाद एक और 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है यहाँ पर, तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। और कॉपी कर दीजिए बिल्कुल नीचे कि इसी तरह की एक सर्किट यहाँ भी बना दी गई है इस तरह से। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके बाद ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो ये 3 ओम और ये 3 ओम के और ये 5 ओम है बीच में, ए और बी के बीच में इस तरह से रेजिस्टेंसेस आपको गिवन है और आपको इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये ए पॉइंट है, मैंने मान लिया ये बैटरी के पॉजिटिव पर चला गया है। ये बी पॉइंट है, ये मान लिया मैंने बैटरी के नेगेटिव पर चला गया है। और ऐसा एज्यूम करने के बाद सोचिए सवाल को कहां से स्टार्ट किया जाए भाई। और भाई मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, आपको बड़ी आसानी से ये बता देता हूं भाई। ये 3 ओम और ये 3 ओम ऊपर दोनों सीरीज में है। सभी बच्चों को यहीं पर ऐसे बता देता हूं, ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम, अब मैंने तो रब कर दिया लेकिन आप अपने मैप भी देख लीजिए एक ही वायर थी इस तरह से, और इसलिए 3 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में थे, आंसर 6 ओम आ गया है। ये वाला 6 ओम और ये वाला 3 ओम पैरेलल में है। 6 और 3 को पैरेलल में जब आप सोल्व करेंगे आपका आंसर 2 ओम आ जाएगा। अगर ये लाइव क्लास होती तो मेरे सारे स्टूडेंट्स कमेंट करने लगते बिल्कुल। तो ये 3 ओम सॉरी ये 6 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में सोल्व किया तो आंसर मेरा 2 ओम आ जाएगा। ये वाला 2 ओम और ये वाला 3 ओम मैं देख पा रहा हूं बहुत आसानी से कि ये सीरीज है, और ये अगर सीरीज है इस तरह से तो भाई सभी बच्चे समझ जाएंगे कि सीरीज में 2 और 3 5 ओम लिखा जा सकता है। तो ये सभी बच्चों को ऊपर वाला जो पोर्शन था वो सॉल्व करना आया होगा, और सभी बच्चे फिर जानते हैं ये नीचे भी तो ऐसी ही सर्किट है, और ऐसी ही सर्किट अगर ये है तो इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस भी तो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। और अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट बराबर, एक जैसे तीन अगर पैरेलल में हो तो 5/3 ओम हो जाएगा। R/N फॉर्मूला होता है, कल की क्लास में लिखवाया था ये बात, अब हर बच्चे को क्लियर हो, ये क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर हो कि इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। हर बच्चे को ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि इस क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे 5/3 वाली इस बात को। तो ये क्वेश्चन मैंने हर बच्चे को करने के लिए असाइनमेंट में दिया था, मैंने और भी क्वेश्चंस दिए थे सभी बच्चों को, और उन क्वेश्चंस को करने से पहले बात करते हैं एक और टाइप है भाई क्वेश्चन का, एक और टाइप है क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप इस तरह से। ये क्वेश्चन ध्यान से देखें भाई सभी बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर में, इस क्वेश्चन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई, मैंने आपके सामने फिर ए पॉइंट रखा और ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये इस तरह से, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरह से, फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और ये बी पॉइंट है लास्ट में। तो हम बी पॉइंट को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, डायग्राम को थोड़ा इधर ही बना लेते हैं इस तरह से। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पर ध्यान दें, ए पॉइंट है एक तरफ और इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस इससे कनेक्टेड है, फिर ये तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और ये बी पॉइंट है इस तरह से। तीन रेजिस्टेंस है ये, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस है, तीनों सेम है। अगर ऐसा होता तो ये तीनों सीरीज में होते और आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता देते। मैंने लेकिन यहां से एक वायर कनेक्ट करी, अगर मैंने ये वायर यहां जाकर ऐसे कनेक्ट कर दी तो भी आपके लिए मुश्किल नहीं था, अभी बनाइएगा मत, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है। लेकिन मैंने इसके बीच में यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, यहां से एक वायर कनेक्ट करी इस तरफ, और इसमें भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने आर। अब सभी बच्चे जान पाएंगे, सेकेंड चैप्टर जिन्होंने मुझसे किया है सभी बच्चे जानते हैं, लाइव क्लास में बहुत कमेंट्स आते हैं इस पर, और सभी बच्चे मुझे बताते कि ये कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, ये कॉम्बिनेशन एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा जिसको प्रूफ करेंगे हम इसी चैप्टर में।
तो यहां पर आर रेजिस्टेंस है, ये आर है, आर है, आर है, और ये आर रेजिस्टेंस है इस तरह से। अब सभी बच्चे इस बात को समझ पाएंगे यहां पर कि ये जो ए रेजिस्टेंस यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये जो ए रेजिस्टेंस आप यहां पर देख पा रहे हैं इस तरह से, और यहां पर ये बी रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं यहां पर इस तरह, सॉरी पॉइंट्स देख पा रहे हैं, और देखकर नहीं पता चल रहा है कि सीरीज में है या पैरेलल में। ये रेजिस्टेंस है आर, आर से आगे देखूंगा तो ये स्मॉल आर, मतलब आर आर ये दोनों सीरीज में तो नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इनके बीच में ये तीसरी वायर निकाल दी गई है। सीरीज देखने का बहुत सिंपल तरीका बताया मैंने, एक के बाद एक लगातार है, सेम करंट जा रहा है, जो करंट इस आर में आया होगा वो सोचना हो एक बार, कुछ करंट इसमें आया है आई, वो आई करंट यहाँ आने के बाद दो रास्ते दिखाई देंगे, कुछ नीचे चला जाएगा कुछ ऊपर, यानी दोनों में करंट सेम नहीं है तो ये दोनों सीरीज नहीं है, और ऐसा कहीं पर भी नहीं बन रहा है, कोई भी सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि सेम पॉइंट्स पर नहीं है। क्वेश्चन करने का तरीका भाई, ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव पर ले जाएंगे आप, बी पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव पर ले जाएंगे आप, और सभी बच्चे ध्यान देंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, पोटेंशियल कुछ ए है, ए पॉइंट जहां पर है वहां पोटेंशियल वी ए नाम दिया मैंने, ये रेजिस्टेंस वी ए पर है, इसका एक साइड का पोटेंशियल वी ए है, यहां से ये वायर है ऊपर वायर गई यहां तक आई गई, ये वाला रेजिस्टेंस भी ए पर है, इसका मतलब ये वाला एन इसका ए पर है, ये बी पॉइंट है यहां पोटेंशियल वी बी है, यहां से वायर इधर की तरफ आई है ये भी वी बी है, इसका मतलब है यहां पर, लेकिन इस पॉइंट पर कोई नाम नहीं आया, इस पॉइंट का कोई नाम नहीं आया, मैंने इस पॉइंट को सी पॉइंट नाम दे दिया, इसका पोटेंशियल बी सी कहा जा सकता है, ये इधर बी सी है, ये बी सी पर है, और ये वायर जहां पर आई है नीचे ये भी पॉइंट बी सी पर कनेक्टेड है। इस तरह से पोटेंशियल नाम देना सीखे हर बच्चा, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम डी दिया गया, पोटेंशियल इसका वी डी माना गया, ये वायर जहां पर गई है यहां पर बी वी डी नाम दिया गया। सभी रेजिस्टेंसेस अब किन पॉइंट्स पर जुड़े हैं उनके नाम दिए जा चुके हैं, ये पहला रेजिस्टेंस ए पर है दूसरी तरफ सी पर है, ये ए पर है दूसरी तरफ डी पर है, ये सी पर है दूसरी तरफ बी पर है, ये सी पर डी पर, डी पर बी पर, सभी का नाम हो चुका है। दोबारा बनाइए सर्किट भाई, ये जो एग्जामिनर होते हैं इनके पास वायर थोड़ी ज्यादा होती है और ये एक्स्ट्रा वायर का यूज कर इन फिगर्स को इस तरह से गोल गोल कर घुमा देते हैं कि हमें देखकर नहीं पता चलता कि सीरीज में है या पैरेलल में है। आप दोबारा बनाइए, आपके पास एक्स्ट्रा वायर नहीं है, और आप इस सर्किट को दोबारा बनाएं, ये लिखकर अपने टीचर के लिए लिखें कि गिवन नेटवर्क जो आपने दिया है हमें बनाकर, वो गिवन नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू, मैं इसे दोबारा बना सकता हूं और ऐसा होगा ये दिखने में, और इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि दोबारा बना रहा हूं मैं, थोड़ा अलग दिखाई देगा लेकिन बात वही रहेगी भाई, मतलब वैल्यूज चेंज नहीं होगी भाई। तो एक तरफ ये ए पॉइंट है, एक तरफ ये बी पॉइंट था, ए और बी के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, पहला रेजिस्टेंस देखा ये मैंने, एक तरफ ए है एक तरफ सी है, तो ये ए तो है बट बी पर नहीं है, वो किसी अलग पॉइंट पर चला गया है, किसी अलग पॉइंट पर भेज दीजिए आप उसको सी पॉइंट पर, आर रेजिस्टेंस था ये कंप्लीट भाई। ऊपर वाले को देखिए, एक तरफ ए है मगर एक तरफ बी है, तो ए पर तो है बट सी पर भी नहीं है, बी पर भी नहीं है, डी फिर से कोई नया पॉइंट नाम दे दीजिए भाई डी, इस तरह से आर रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तीसरे रेजिस्टेंस पर आइए सी, एक तरफ सी पॉइंट पर है और एक तरफ डी पॉइंट पर है, सी पॉइंट ऊपर देख पा रहा हूं और डी पॉइंट तो यहां देख पा रहा हूं इस तरह से, तो ये सी पॉइंट रहा और ये डी पॉइंट रहा इस तरह से, ये यहां पर जोड़ा गया, इसका मतलब सी और डी के बीच में जोड़ा गया है। इसे देखिए, एक तरफ सी है और एक तरफ बी है, सी पॉइंट तो ये है और बी पॉइंट तो यहां पर है, यहां कनेक्ट किया गया इसको इनके बीच में, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर रहा हूं, देखें कैसी बनेगी, अपने आप आएगी बनाने के बाद भाई। ये एक तरफ डी है एक तरफ बी है, इसको भी मैंने जो वो कनेक्ट कर लिया, एक तरफ डी है और एक तरफ बी है, ये इस तरह से भाई, इस तरह की पतंग बन जाएगी आप सामने, आपके सामने एक पतंग जैसी फिगर बन जाएगी, और इस पतंग को ही क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन कहा जाता है।
इस तरह की पतन को क्या कहा जाता है? व्हीटस्टोन कहा जाता है। सभी बच्चे ध्यान दें, इन सब की वैल्यू आर 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 है। इस पहले रेजिस्टेंस को पी नाम दे देता हूं, इस दूसरे रेजिस्टेंस को क्यू नाम दे देता हूं, इस तीसरे रेजिस्टेंस को आर नाम दे देता हूं और इसको एस नाम दे देता हूं, पी क्यू आर एस। और ये पांचवा रेजिस्टेंस जो बीच में लगा हुआ है, इसे इन्हें आर वन आर टू आर थ्री आर फोर नाम दे सकता था, मैंने इसे कुछ आर फाइव नाम दे दिया बीच में। इस तरह से नाम की कोई टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं सोचेगा आर वन आर टू आर थ्री आर फोर कहाँ है, आर फाइव नाम क्यों दे दिया सीधा। ये पतंग तो बन गई, इस पतंग का नाम है व्हीटस्टोन। गिवन नेटवर्क इज व्हीटस्टोन ब्रिज। गिवन नेटवर्क इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इस नेटवर्क का नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नाम है। तो क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर इसका नाम है तो अभी भी पता तो चल नहीं रहा कि सीरीज है या पैरेलल, अभी भी नहीं पता चल रहा कि सीरीज में है या पैरेलल। कोई भी सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में नहीं है अभी भी। तो सीरीज पैरेलल जब पता ही नहीं चला तो नया क्यों बनाया? नया इसलिए बनाया भाई, पहले इस नेटवर्क को दोबारा ड्रॉ करने से मुझे ये पता चला ये व्हीटस्टोन है। और व्हीटस्टोन होता क्या है, ऐसे ऊपर दो रेजिस्टेंस, नीचे दो, और बीच में इनके ब्रिज बना रहा है। अगर ये P by Q बराबर है R by S के रेशो, सभी बच्चे ध्यान देंगे, गिवन नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज है और P by Q ये R है, ये R है, R और R की रेशो बन हो गई, और R डिवाइडेड बाई S करूं, ये R है, ये R है, इनकी रेशो भी बन है। यानी ऊपर वाले हमेशा ध्यान रखेंगे P by Q बराबर R by S, P by Q बराबर R by S, P by Q बराबर R by S। ऊपर वाले जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे वो P by Q, उनकी रेशो अगर नीचे वाले की रेशो के बराबर है, P by Q बराबर है अगर R by S के, तो फिर ये व्हीटस्टोन कैसा है? बैलेंस्ड है। ये व्हीटस्टोन कैसा है? बैलेंस्ड कंडीशन में है। और जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है, जब बैलेंस्ड कंडीशन होती है, तो ये जो पांचवा रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है, इसमें करंट नहीं आएगा। और जब करंट नहीं आएगा तो ये इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का मतलब ये तो शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है, हटा दीजिए इसको, कोई फायदा नहीं है इसका। R5 को आप क्या करें भाई, ना इसमें करंट नीचे जाएगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। जिस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, वो वायर तो ओपन सर्किट के जैसी है, और ओपन सर्किट का तो कोई काम ही नहीं है, हट गया वो। अगला डायग्राम बनाता तो ऐसे हटा देता, तो अब तो आपके लिए आसान हो गया है। ये अगर किसी काम का नहीं था, इसे हटा दूं, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है R प्लस R टू R, नीचे वाले दोनों सीरीज में है R प्लस R टू R। तो एक तरफ A था, एक तरफ B था, और जब इसको हटा दिया गया है, ऊपर वाले दोनों सीरीज में है 2R हो गया, नीचे वाले दोनों सीरीज में है 2R हो गया। पैरेलल में दोनों को सोल्व करेंगे, इसका नेटवर्क का दोबारा से R आंसर आ जाएगा। इसका आंसर दोबारा से कितना आ जाएगा? R आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी भाई, ये पांचवा रेजिस्टेंस बीच में 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम 1000 ओम इनफाइनाइट कुछ भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, मतलब P by Q बराबर R by S की रेशो में है, रेशो सेम है, तो बीच में वो रेजिस्टेंस किसी काम का ही नहीं है, उसमें कोई करंट नहीं है। अब चाहे वो 1 ओम 2 ओम R स्मॉल R इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू रही है उसकी, हटा दिया उसको, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे डिपेंड नहीं करता। ये सारे अगर बराबर थे आंसर भी सेम आ जाएगा। अगर कभी व्हीटस्टोन बन रहा है, सबकी वैल्यू अगर सेम है, वही आंसर आ जाएगा। अगर 5 5 5 5 के चारों होते, आंसर 5 ओम आ जाएगा। 10 10 10 के चारों होते, 10 ओम आंसर आ जाता। अलग अलग होते, ये 5, ये 10, ये 10, ये 20, रेशियो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट हो सकते हैं। P by Q बराबर R by S की रेशियो सेम होनी चाहिए, वैल्यू चाहिए कुछ भी रही हो, फिर हम सोल्व करते, सीरीज पैरेलल पता चल गया अब आपको, आंसर आ जाता कुछ ना कुछ भाई।
तो व्हीटस्टोन की बात समझ में आई हो आपको, व्हीटस्टोन पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर पाएंगे, व्हीटस्टोन पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर पाएंगे, और व्हीटस्टोन पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, तो व्हीटस्टोन पर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में कराऊंगा आपको। तो व्हीटस्टोन पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, और भी हम देंगे आपको, असाइनमेंट मिलेगा आपको, पहले ये कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन अगली क्लास में, कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली लाइव ही रहेगी, बिकॉज इसमें अगर कोई भी डाउट आज के सेशन में रहा होगा आपको, तो आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट रहा होगा इस तरह का कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व तो करा दिया लेकिन आपको समझ में ना आया हो, तो आप कल लाइव क्लास में उसे पूछ पाएंगे। कल भी अगर रिकॉर्डेड होती है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा आगे, तो लाइव, तो जल्दी लाइव आएगी और कल भी आ सकती है, मैं ऐसा कुछ पहले से डिसाइड नहीं कर रहा आपके लिए। तो सभी बच्चों मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आज की वीडियो रिकॉर्डेड है, लिंक आपको सेम 6 बजे के टाइम पर मिला है आज, तो लिंक आपको सेम उसी टाइम पर मिला है, आपकी 6 से 7 की टाइमिंग में लिंक मिला है, आपने कब देखी है वीडियो आप पे डिपेंड करता है आप, लेकिन आज ही देखें इसे, ताकि आपका आज का काम आज ही करें, तभी तो आप MCQ अटेम्प्ट कर पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल 29 को हम MCQ लेंगे, तो उस तक आप तब तक वीडियो से तैयार हो चुके होंगे। मुझे कमेंट कर व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी, आपको सब कुछ समझ में आया, क्लैरिटी कैसी थी, तब हम आगे बात करेंगे। बढ़ते रहिए गाइस, मेहनत करिए, तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक्स गाइस।